कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी नाक सबसे लंबी होती है। वे अपनी नाक का उपयोग न केवल सूंघने के लिए करते हैं, बल्कि वे अपनी नाक से कई तरह के काम भी कर सकते हैं। यहां 10 जानवरों के नाम दिए गए हैं जिनकी नाक सबसे लंबी है। 1. हाथी। अफ्रीकी और एशियाई हाथियों की सूंडें लंबी होती हैं, जो वास्तव में लंबी नाक होती हैं, जिनका उपयोग वे भोजन पकड़ने, पानी पीने और संचार करने सहित विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। 2. एंटीटर। मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले विशाल एंटीटर के पास एक लंबा ट्यूबलर थूथन होता है, जिसका उपयोग सूंघने और चींटियों और दीमकों को खाने के लिए किया जाता है। 3. सूंड बंदर। बोर्नियो और सुमात्रा की इस बंदर प्रजाति की एक लंबी मांसल नाक होती है, जिसे सूंड कहा जाता है, जो वयस्क पुरुषों में काफी बड़ी हो सकती है। 4. स्वॉर्डफिश। स्वॉर्डफिश एक बड़ी शिकारी मछली है, जिसकी लंबी सपाट चोंच तलवार जैसी होती है, जिसका उपयोग शिकार पर वार करने के लिए किया जाता। 5. टुकेन। अपनी रंगीन और बड़ी चोंच के लिए मशहूर टुकेन की चोंच वास्तव में उसकी नाक का लंबा विस्तार है। 6. साइगा। मृग। यूरेशिया के मूल निवासी साइगा। मृग की एक विशिष्ट ट्यूबलर नाक होती है, जो उसके मुंह के ऊपर लटकती है। 7. टेपीर। टेपीर के पास एक लंबी लचीली थूथन या सूंड होती है, जिसका उपयोग वे पत्तियों, फलों और अन्य वनस्पतियों को पकड़ने के लिए करते हैं। 8. स्नाइप। लंबी चोंच वाला स्नाइप एक पक्षी है, जो अपनी लंबी पतली चोंच के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग वह कीड़ों और कीड़ों का पता लगाने के लिए कीचड़ में करता है। 9. घड़ियाल। घड़ियाल भारत और नेपाल में पाया जाने वाला एक प्रकार का मगरमच्छ है, जिसका मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त लंबा संकीर्ण थूथन होता है। 10. अर्डवार्क। अर्डवार्क में एक लंबी ट्यूबलर थूथन होती है, जिसका उपयोग वह चींटियों और दीमकों को सूंघने के लिए करता है, जो उसके भोजन का प्राथमिक स्रोत है। इनमें से प्रत्येक जानवर ने भोजन, शिकार या संचार जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अपनी लंबी नाक विकसित की है, और यह उनके अस्तित्व और उनके संबंधित वातावरण में अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगता है, तो कृपया इस प्रकार की जानकारीपूर्ण और रोचक वीडियो पाने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।